सो वेलकम टू योर ओन चैनल मार्केट स्टडी सो चलिए दोस्तों देखते ही कल के मार्केट में जो है क्या हलचल होने वाली है और कहां पर जो है निफ्टी फिफ्टी और निफ्टी बैंक के जो है अच्छे लेवल दिखाई दे रहे हैं सो so, चलिए देखते हैं तो हम यहां पर देखेंगे कि सी एन डी एल एम में क्या न्यूज़ है इसके अलावा पी एन बी हाउसिंग में क्या खबर है एन एच पी सी में भी क्या अपडेट है इसके अलावा वोडाफोन एक्साइड इंडस्ट्रीज इन एस पावर तो ये सभी स्टॉक में जो है कल के दिन जो है क्या हलचल रहने वाली है सो so, क्विकली स्टार्ट करते हैं सो so, सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो यूएस मार्केट है यूएस मार्केट में जो है आपको यहाँ पर बिल्कुल मार्केट में जो है फ्लैट कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है और डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं अगर ये मार्केट जो है आज डे नाइट तक अगर रिकवर नहीं होता तो डेन डेफिनेटली यहाँ पर कल जो है इंडियन मार्केट में भी आपको जो है मिले जुले एक्सक्यूज़ जो है यहाँ पर दिखाई दे सकते हो मार्केट के ऊपर प्रेशर भी आपको दिखाई दे सकता है वहीं अगर हम यूरोपियन मार्केट के बारे में बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी जो है आलमोस्ट जो है फ्लेट ही यहाँ पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है सो चलिए क्विकली जो है हम यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी का जो है यहाँ पर एक वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम पे जो है किस तरीके से दिख रहा है तो उसको हम देखते हैं तो हमने आप कई बार जो है इस पैरल चैनल के बारे में जो है डिस्कस किया है तो पैरल चैनल में जो है यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद जो है स्टॉक ने एक आलमोस्ट जो है इसका एक रीट्रेसमेंट जो है ये भी कम्प्लीट कर लिया है और यहाँ से जो है स्टॉक जो है इसके अपकमिंग जो लेवल है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को अगेन जो है टच करने के लिए यहाँ पर रेडी बैठा हुआ है सो यहाँ पर जो है चार्ट जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि मार्केट जो है आगे आने वाले दिनों में भी जो है पॉजिटिव जो है इसका मोमेंटम रहने वाला है साथ ही अगर हम इसके कुछ पीवट लेवल के लिए अगर कल की स्ट्रेडजी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जो कि हमने पीवट लेवल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हैं सो अभी जो है निफ्टी फिफ्टी uh, जो क्लोज हुआ है वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू पर हुआ है जिसका जो इमीजिएट जो लेवल अगर रेजिस्टेंस वन की अगर मैं बात करूँ तो वो ट्वेंटी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी फोर का है सेकेंड वाला जो रजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा टू फोर सेवन फोर नाइन का एंड लास्ट वन जो रहेगा टू फोर एट ज़ीरो फोर का वहीं अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो वो रहेगा टू फोर सिक्स थ्री थ्री एंड देन टू फोर फाइव एट जीरो के अप्रोक्स एंड जो लास्ट वन रहेगा वो रहेगा टू फोर फाइव वन सेवन के समथिंग तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जो पंद्रह मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पर हमने बनाए हुए हैं जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल सपोर्ट करते हैं सिमिलरली अगर हम यहाँ पर जो है निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक जो है अभी स्टिल जो है इसी पैरेलल चैनल के अंदर फंसा हुआ है और ये जो पैरेलल चैनल है यहाँ से जो है अब जो है क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव होने वाला है सो डेफिनेटली देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से जो निफ्टी बैंक का जो चैनल है ये आलमोस्ट जो है आपको फिफ्टी वन थाउजेंड के अप्रॉक्स जो है यहाँ से ब्रेक होते हुए आपको दिखाई दे सकता है सो so इसके जो आने वाले जो अपकमिंग जो हाईस्ट जो इसका रेजिस्टेंस है वो है फिफ्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन्टी का जहाँ पर आपकी नज़रें बिल्कुल होनी चाहिए सो चलिए सिमिलरली इसके भी हम पिवट लेवल यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके कल के दिन जो है वो इम्पोर्टेंट पिवट लेवल क्या होने चाहिए सो so, इसका जो इमीजिएट जो यहाँ पर सपोर्ट जो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है फिफ्टी थाउजेंड का सेकेंड वाला जो लेवल दिख रहा है वहाँ पर हमें जो दिख रहा है पचास चार सौ के समथिंग दिख रहा है देन यहाँ पर जो है सीधे सीधे जो है 300 नंबर कम होते हुए जो है 50190 मतलब फाइव फाइव जीरो का जो है इमिजिएट यहाँ पर यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, है। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रजिस्टर में पहला रजिस्ट्रेंस है इसका फिफ्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर जो कि आलमोस्ट जो है यहाँ से दो सौ पॉइंट जो है करेंट क्लोजिंग के अगेंस्ट में अप है वहीं अगर सेकेंड लेवल हम देखें तो वो का फिफ्टी वन थाउजेंड एट्टी वन एंड देन थर्ड वन वाला जो अपना लास्ट वन रहेगा वो फिफ्टी वन थाउजेंड एट्टी वन के समथिंग यहाँ पर रहने वाला है हालांकि जिस तरीके से मार्केट में जो है ग्लोबल मार्केट में जो आ, फ्लेट कारोबार होते हुए नज़र आ रहा है दर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर मार्केट में जो है आ, कल के दिन जो है आपको एक साइडवेज भी होते हुए है दिखाई देगा सो so, चलिए आज के मार्केट में क्या रहा है? ये देख लेते हैं सो आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री हंड्रेड स्टॉक में जो है फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी फोर मतलब लगभग पंद्रह सौ स्टॉक जो है वो आपको एडवांस करते हुए दिखाई दिए हैं वहीं जो है आपको नाइन हंड्रेड के अप्रॉक्स जो स्टॉक है डिक्लाइन करते हुए दिखाई दिए तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है बियर बुल वाले जो थे वो जो है यहाँ पर भारी थे विथ कंपेयर टू बियर्स सो आज के जो टॉप गेनर और टॉप लूजर की बात करूँ तो ये यहाँ पर ये यह अपने टॉप केनर्स है और यहीं पर जो है राइट हैंड साइड जो है टॉप लूजर है टॉप गेनर में जो लीड कर रहा था वो था एस बी आई इंश्योरेंस जो कि लगभग आज पाँच परसेंट अप था एच डी लाइफ जो है लगभग तीन परसेंट के समथिंग अप था वहीं आप जो बजाज फिंजर श्रीराम फाइनेंस और इंडस बैंक तो ये सभी अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो है इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग सेक्टर ने ही जो है आज लीड कर रहा था वहीं अगर टॉप लूज़र की बात करें तो ओ लगभग यहाँ पर डेढ़ की गिरावट थी भारतीय एयरटेल में भी लगभग वन की गिरावट थी सो so, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कम था क्योंकि आज जो है मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव था वहीं अगर वीकली टॉपर्स की अगर मैं बात करूं कि वीकली टॉप गेनर्स में कौन लीड कर रहा है तो वहां पर है टी जो कि लगभग आठ परसेंट का आप है टेक महिंद्रा ये भी आठ परसेंट के अप्रोक्स आप है विप्रो सो अल्टीमेटली जो है आई टी सेक्शन सेक्टर्स में जो है काफ़ी यहां पर तेजी दिखाई दे रही है जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी बात की है सो आउट ऑफ दिस फाइव स्टॉक इसमें जो है चार स्टॉक आपको जो है एच टेक्नोलॉजी के दिख रहे हैं एक स्टॉक जो है आपको यहाँ पर स्टील सेक्टर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है वहीं अगर मैं टॉप लूजर्स की बात करूँ तो यहाँ पर डिवी लैब ओ एन जी सी एडानी इंटरप्राइजेस सिप्ला, एच डी एफ सी बैंक दीज आर दी टॉप लूजर्स तो लूजर्स में भी इतना कुछ ज़्यादा जो है हाई नंबर से जो है यहाँ पर ऐसा कुछ लूज नहीं दिख रहा है जो टॉप लूजर्स में डि डिवी लगभग साढ़े तीन परसेंट के समथिंग ही जो है डाउन दिखाई दे रहा है चलिए वहीं हम अगर देखें कि एफ और डी में जो है कितना बाइंग रहा और कितना सेलिंग रहा तो एफ ने जो है आज के दिन सेलिंग करी है लगभग चौदह करोड़ के समथिंग वहीं डी ने जो है बाइंग की है सो नेट जो है यहाँ पर मार्केट में जो है पॉजिटिविटी दिखाई दी है जो कि लगभग 800 करोड़ के समथिंग जो है मार्केट में आज खरीदारी हुई है चलिए अभी कुछ जो है हमारे इम्पोर्टेंट जो है स्टॉक जो कि कल के दिन जो है बिल्कुल रूमर्स में है तो उनमें क्या होने वाला है उसमें सबसे पहले हम जो है साइंट डी के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सो साइंट कंपनी जो है वो जो है एक इलेक्ट्रॉनिक जो है यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाती है और इस जो बनाने के बाद जो है ओय डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ पर जो है सेल करती है कंपनी का जो धंधा है वो काफ़ी अच्छा है लेकिन अभी इसमें जो रिसेंटली जो न्यूज़ आई है वो ये आई है कि ये जो है लगभग अपना 14.5 परसेंट का जो स्टेक है ये जो है ब्लॉक डील के तहत जो है सेल करने वाले हैं और ये जो आ, ये जो एग्रीमेंट हुआ है लगभग प्राइस इसका जो प्राइस जो सेटल होगा वो लगभग 70 सेवन हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट सिक्स फाइव के समथिंग जो कि आज के क्लोजिंग प्राइस से आलमोस्ट जो है फ़ाइव परसेंट के डिस्काउंट पर आपको मिलेगा और साथ ही जो है ये जो डील जब होगी इन बिटवीन जो है नब्बे दिनों का एक लॉकिंग पीरियड रहेगा जिसमें कोई भी सेलर जो है इसमें जो है अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा और इसका जो मेन जो यहाँ पर रीज़न है वह यह है कि यह मार्केट में जो है ये सेल आउट करके जो है थोड़ा बहुत तो अपना जो है पैसा यहाँ पर जनरेट करना चाहता है और इसी के साथ जो इसके प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी यहाँ पर बिल्कुल डिक्लाइन होगी और लगभग फोर्टीन पॉइंट फाइव अगर यहाँ पर डिक्लाइन होती है तो फाइनली जो है इसकी प्रोमोटर होल्डिंग्स अब यहाँ पर रहेगी ओनली फिफ्टी टू पॉइंट वन सिक्स जो कि अभी करेंटली है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स सो चार्ट पे यह किस तरीके से दिख रहा है यह भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पर चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक डेली टाइम फ्रेम है और डेली फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये एक पैरल चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है जहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है सो इमिजिएट जो है इसके 748 के लेवल तो मुझे यहाँ पर सीधे सीधे ब्लॉक डेल के तहत आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो समवेयर वी शुड पुट वन जी टी टी ऑर्डर ऑफ सेवन हंड्रेड थर्टी थ्री क्योंकि सेवन हंड्रेड थर्टी थ्री के लेवल पर आने के बाद यहाँ पर एक डिमांड जोन होता है जहाँ पर जो है स्टॉक आने के बाद फिर से यहाँ से बैक बाउंस जो है शो करता है तो सेवन सेवन थर्टी थ्री के स्टॉक पे जो है आप एक यहाँ पर एक लिमिट ऑर्डर ज़रूर सेट कर सकते बाई जी टी टी, टी जो कि एक साल के लिए वैलिड रहता है और इसके अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर आप सेवन थर्टी थ्री के समथिंग यहाँ पर एक ऑर्डर पुट करते हैं तो आपके पास जो फर्दर अपॉर्चुनिटी रहती है सेवन एटी एट मतलब लगभग लगभग सात परसेंट की आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है इन शॉर्ट टाइम ऑफ पेरेड की अगर यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जाता है बट साथ ही आपको यहाँ पर चिंता वाला भी पॉइंट है कि यहाँ से अगर स्टॉक अगर गिरता है तो इस पैरल चैनल से सीधे सीधे आपको यहाँ तक के लेवल जो है आपको एक्सपेक्टेड है जो कि अराउंड 600 के अप्रॉक्स होंगे तो यहाँ पर जो है एक आप लिमिटेड जो है एक स्टॉप लॉस लेके भी चल सकते हैं स्टॉक में आ, सो चलिए अगला स्टॉक जो है हमारा वो है पीएनबी हाउसिंग सो इस इस शेयर में भी जो है पीएनबी हाउसिंग में भी एक ब्लॉक डील होने वाली है जिसमें जो है जनरल एटलांटिक सिंगापुर फंड जो है लगभग जो है लगभग फाइव पॉइंट वन जो है इक्विटी जो है वो ब्लॉक डील के तहत जो है बेचने वाला है जो कि प्राइस जो इसकी जो सेटल्ड हुई है वो है सेवन सेवन फाइव जो कि लगभग आज के जो प्राइस है उसका करेंट प्राइस का 4.4 परसेंट डिस्काउंट प्राइस है और जिसकी जो टोटल वैल्यू अगर हम देखें तो वो लगभग एक हज़ार करोड़ के अप्रॉक्स यहाँ पर है सो चलिए विदाउट एनी डिले स्टॉक को हम चार्ट पर देखते हैं कि ये चार्ट पर किस तरीके से दिखाई दे रहा है सो so, चार्ट पर अगर आप पी एन बी हाउसिंग वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सीधे सीधे ये वाले जो इसके लेवल है सेवन हंड्रेड फिफ्टी के तो सीधे सीधे आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं सो so, ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं देन स्टॉक जो है सीधे आपको छः सौ चार के लेवल पर भी आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है सो so, ये वाला जो ये वाला जो सेवन फिफ्टी का जो सपोर्ट है वो बड़ा क्रेशियल होने वाला है देखने लायक ये कि अगर इस स्टॉक को अगर यहाँ से ब्रेक डाउन नीचे की तरफ करता है देन तेज़ी से स्टॉक में एक गिरावट आ सकती है सो so, इस स्टॉक को भी जो है आप यहाँ पर आपकी वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं अगर 750 से अगर यहाँ पर एक फर्दर अपसाइड शो करता है देन डेफिनेटली ये स्टॉक आपको फिर से नाइन पर जाते हुए दिखाई देगा सो so, इसी के साथ जो अगला स्टॉक है वो है हमारा एन एच पी सी एन एच पी सी का जो है एक सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है कि वो है लैंड स्लाइड की और लैंड स्लाइड के कारण जो इसका 510 मेगावाट की जो कंपनी जो कि सिक्किम में है आ, वो बिल्कुल बुरी तरीके से अफेक्टेड है और उसके इसके कारण जो है काफ़ी यहाँ पर नुकसान भी हुआ है सो so, डेफिनेटली कल के दिन जो है इस स्टॉक पर आपको प्रेशर आते हुए दिखाई दे सकता है हालांकि एन स्टॉक जो है काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है बट अभी भी जिस तरीके से गवर्नमेंट का इस पर फोकस है यहाँ पर ये अगर ये समवेयर अगर 85 के लेवल पर अगर ये स्टॉक आपको आते हुए दिखाई देता है सो डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू बाई इट सो यहाँ पर भी आप एक जी टी टी ऑर्डर लगा कर ऑन ए सेफर साइड रख सकते हैं अगला स्टॉक जो है हमारा वो है प्रोमोटर्स जी ग्रीड एलाइंस और इसी का जो एक भाई है वो है ग्रीड इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड उन दोनों ने जो है अपनी जो रिस्पेक्टिव जो यहाँ पर स्टेक है उस स्टेक को जो है यहाँ पर सेल करने का जो है यहाँ पर प्लान बनाया है और उस सेल से जो है ये इनके प्रोमोटर हेल्डिंग जो है यहाँ पर उसको थोड़ा जो है और बेटर करना चाहते हैं सो देट यहाँ पर थोड़ी सी लिक्विडिटी भी वो उनके जो है अकाउंट में आए और फिर बिजनेस को उनको किस तरीके से ग्रो करना है उसका एक स्ट्रेटजी बना पाए सो क्विकली जो है इसको हम अगर चार्ट पर अगर देखें तो जी टी एन डी इंडिया लिमिटेड जो है किसी ज़माने में यहाँ पर मई 2023 मतलब आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले जो है ये स्टॉक 148 का हुआ करता था और अब जो ये स्टॉक है आलमोस्ट जो है यहाँ से जो है आपको सीधे सीधे जो है 1812 के समथिंग यहाँ पे मिल रहा है सो यहाँ पर ही जो है मई 2023 के बाद ये स्टॉक बिल्कुल रॉकेट हो गया है और जिस तरीके से बप्पर इसने पैसा बना के दिया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ है तो यहाँ पर ये यह जो स्टॉक है जिस तरीके की इसमें पॉजिटिव न्यूज़ है डेफिनेटली तो अगर समवेयर अगर ये अगर स्टॉक आपको अगर 1500 के लेवल पर अगर करेक्ट होते हुए मिलता है 1520 या 1530 या 1525 के लेवल पर भी आपको मिलता है सो डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू बाइड क्योंकि हम ये जो देख रहे हैं ये वीकली कैंडल है और इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशल है आगे भी जो है इसमें अपसाइड बिल्कुल रह सकती है सो अगला स्टॉक है जो है हमारा ओला इलेक्ट्रिक सो ओला इलेक्ट्रिक में जो है अभी जो है रिसेंटली जो है इसका आई आया है ओनली जो है यहाँ पर काफ़ी कम दिन हुए हैं और साथ ही जो है इसमें एक गुड न्यूज़ है वो गुड न्यूज़ ये है कि इनको जो है कम्पलाइंस का सर्टिफिकेट जो है मिल चुका है और कम्प्लायंस का सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही जो है कल के दिन जो है स्टॉक में जो है आप यहाँ पे तेज़ी जो है देख सकते हो सो स्टॉक जो है इसका जो है वन आवर्स का जो है यहाँ पर टाइम फ्रेम है और यहाँ से आप अगर एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये बिल्कुल उसके डिमांड जोन पे यहाँ पर स्टॉक दिखाई दे रहा है सो so, ये जो नया बिज़नेस है इसको बिल्कुल डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक बिजनेस है गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है और ये जो है एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी बेट हो सकती है और स्टॉक जो है अभी हाल फिलहाल में काफ़ी डिमांड जोन में दिखाई दे रहा है तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग के यहाँ से फर्दर अपसाइड हंड्रेड परसेंट यहाँ पर दिखाई मुझे दे रही है तो so इसका जो एक लेवल रहेगा वो ऑलमोस्ट जो रहेगा मोर देन जो है वन फिफ्टी तक तो ये मुझे सीधे सीधे यहाँ से इजिली जो है कल के दिन जो है जाते हुए या फिर कल या फिर पूरा वीक भी आप कंसिडर कर सकते हो कि जाते हुए बिल्कुल आ, या फिर शॉर्ट ऑफ टाइम में बिल्कुल ये जा सकता है इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर एकसाइड इंडस्ट्रीज़ ने जो है अपना इन्वे, इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर अदर एक्साइड इंजीनियरिंग सोल्यूशन में किया है और ये जो किया है लगभग सेवनटी फोर पॉइंट नाइन नाइन करोड़ का किया है और अभी तक के जो एक्साइड के जो ई सेल में जो अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग छब्बीस सौ बावन करोड़ के समथिंग हुआ है सो यहाँ पर मार्केट इसको किस तरीके से लेने वाला है ये यहाँ पे बड़ा रोचक होगा देखने वाला सो अभी जो है स्टॉक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम में ये जो स्टॉक है यहाँ पर एक चैनल के अंदर हम मुझे जो है यहाँ पर घूमता हुआ नज़र आ रहा है सो so, यहाँ से देखने लायक ये हुआ कि अगर इसका फोट फोर एट फोर का अगर ये जो स्ट्रांग सपोर्ट अगर नीचे की तरफ़ ब्रेक डाउन होता है तो चार सौ पैंतीस के लेवल इसमें जो है आपको ईजिली आते हुए दिखाई देंगे वहीं अगर ये फाइव हंड्रेड सिक्सटीन का एक जो रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर दिख रहा है अगर इसको भी अपर साइड अगर यहाँ पर ये यह ब्रेक करता है देन डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक में सीधे सीधे इमिजिएट जो है पाँच सौ साठ के जो है आपको यहाँ पर लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं अगला स्टॉक अगर हम देखें तो वो है वोडाफोन आइडिया वोडाफोन आइडिया में जो है बिल्कुल बैड न्यूज़ है बैड न्यूज़ ये है कि इसके जो है डे बाय डे जो है कस्टमर जो है कम होते जा रहे हैं और कंपनी जो है प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है सो so डेफिनेटली ये वाला जो स्टॉक है कल के दिन बिल्कुल आपको प्रेशर में आते हुए दिखाई देगा और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये स्टॉक अगर फोर्टीन के समथिंग भी आता है सो so यहाँ पर कोई सरप्राइज़ नहीं होगा क्योंकि जो है कंपनी जिस तरीके से बिजनेस कर रही है और जिस तरीके से उसके कस्टमर लॉस हो रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर देर इज़ द हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से जो है स्टॉक जो है आने वाले दिनों में आपको फोर्टीन पॉइंट सेवन जीरो पर ईजिली दिखाई देगा और अगर यहाँ से अगर फर्दर गिरावट होती है तो ये ट्वेल्थ के लेवल पर भी स्टॉक जल्दी से आ सकता है इसके अलावा अगर हम देखें तो जीनियस पावर जीनियस पावर जो है वो इलेक्ट्रिक मीटर्स बनाती है और इसने जो है पार्लरली अभी जो है एक इसको भारी भरकम जो है ऑर्डर मिला है और ऑर्डर छोटा मोटा नहीं लगभग तीन हज़ार छः सौ आठ करोड़ के समथिंग मिला है और ये जो स्टॉक है अपने एक अच्छे एक हाई वैल्यू पर जो है इसने एक रिसेंटली एक ब्रेकआउट भी यहाँ से शो किया है और फोर हंड्रेड सिक्सटीन पर अभी है ट्रेड कर रहा है सो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से भी स्टॉक में जो है मोमेंटम बरकरार रह सकता है बट देखने लायक ये है कि अगर ये फोर Uh, ये वाला जो स्टॉक है यहाँ पर जो है थ्री एटी नाइन को अगर सस्टेन कर पाता है देन इज अ हाई पॉसिबिलिटी ये स्टॉक ऊपर जाएगा बट अगर ये नीचे आता है देन अगेन इस स्टॉक में जो है वीकनेस आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी जो है रनअप यहाँ से कर चुका है सो so, इस स्टॉक को भी आपके लिस्ट पर रखिए बट कल के दिन जो है ड्यू टू दिस पॉजिटिव न्यूज़ इस शेयर में जो है अपसाइड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अपसाइड रहेगी सो so होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग द मोर अपडेट आल्सो प्रेस प्रेस बेल आइकन फॉर द गेटिंग माई नोटिफिकेशन सो थैंक यू बाय बाय